के लिए रवाना होगा, क्योंकि आज ठीक सुबह 10:30 बजे आज इंडिया गेट पे सबकी निगाहें, क्योंकि तीनों सेनाओं का शौर्य भी यहां देखने को मिलेगा। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह की, जिन्होंने रक्षा मंत्री ने अपने निवास पर ध्वजारोहण किया। ग्राउंड जीरो से जी हिंदुस्तान लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी देर में पीएम नेशनल वॉर मेमोरियल भी पहुंचेंगे, ये खबर भी सामने आ रही है, जहां वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। और राजपथ पर शूर वीरों का शौर्य आज देखने को मिलेगा। आज देश मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस, और उस मौके पर 10:30 बजे राजपथ पर परेड की शुरुआत होगी, और वो तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन गणतंत्र दिवस पर आज जो खास होने वाला है वो ये कि 25 झांकियां इस बार निकाली जाएंगी, हिस्सा ले रही हैं। पहली बार ड्रोन शो का भी आयोजन है, 1000 ड्रोन भी शामिल होंगे। ये कुछ खास बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो आज गणतंत्र दिवस पर आपको देखने को मिलेंगी राजपथ पर। रजनीश का रुख कर रहा हूं, रजनीश अब क्या कार्यक्रम का शेड्यूल? देखिए रोहित, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे जो राजपथ पे जब 26 जनवरी की जो परेड निकलेगी। हालांकि उस परेड से जवानों का दमखम और जोश से ना सिर्फ देश को देखने को मिलेगा, बल्कि जो जो शत्रु हैं, जो दुश्मन देश हैं, उनको भी जो है वो देश की गर्जना सुनने को मिलेगी। मैं इस वक्त रोहित जो है वो ITO पे मौजूद हूँ, और ITO के अगर नज़ारे की अगर बात की जाए तो ITO पे आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सुरक्षा के खासे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 25 नई झांकियाँ रोहित इस बार निकाली जाएंगी, और जो झांकियाँ निकाली जाएंगी वो इसी रोड से होती हुई सीधा लाल किले तक जाएंगी। और इस रोड पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज को यहाँ पर तैनात किया गया है, और जो लोग हैं वो झांकियां देखने के लिए, जो देश का दमखम देखने के लिए सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए सामने लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि गणतंत्र दिवस के माहौल में किसी भी तरीके की कोई भी घटना ना घट सके। इसीलिए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया है, परिंदा भी पग ना मार सके, ना सिर्फ जो रोड पर बल्कि हाई राइज बिल्डिंग्स पे और ऊंचे मचानों पर भी स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। CCTV कैमरे की अगर बात की जाए रोहित, तो अकेले सिर्फ राजपथ पे 400 से ज्यादा CCTV कैमरों को लगाया गया है, और उनकी जो निगरानी हो रही है वो बोट क्लब पे जो चौकी है बोट क्लब की, वहां से निगरानी की जा रही है। रोहित, मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि जिन ड्रोन को इस बार जो है वो दिखाया जाएगा राजपथ पे, वो ड्रोन हाईटेक तकनीक से जो है वो लैस रहेंगे। बताया जाएगा कि उन ड्रोन्स की क्या खासियत है, और उन ड्रोन्स को जो है आगे देश की सुरक्षा में उपयोग भी किया जाने वाला है। हालांकि अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों में खासा जोश है। आप मेरे इस ओर भी चाहे आप देखिए, तो इस ओर भी जो बच्चे बूढ़े और जो महिलाएं हैं वो सुबह से यहां पर पहुंच रहे हैं। चारों ओर ITO का नजारा ये है, यहां पर अब किसी को आने की जो है इजाजत नहीं है। साथ ही मैं रोहित आपको दिखाऊं, ये जो रास्ता है सीधा आप देखिए सामने बैरिकेटिंग की हुई है, सुबह से ही उस बैरिकेटिंग से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि इंडिया गेट की तरफ वो रास्ता जाता है, और ये रास्ता सुबह से ही बंद किया हुआ है, क्योंकि इसी रास्ते से होते हुए जब जो झांकियां हैं वो अपने अंतिम पड़ाव जब लाल किले पहुंचेंगी, तो रास्ते में किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम इस समय दिल्ली में कर दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय जी हिंदुस्तान के माध्यम से हम लोग पूरे जो है वो देश को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में 26 जनवरी जो 73वां गणतंत्र दिवस है उसकी तैयारियां किस तरीके से की गई है, और पूरे भव्य तरीके से इस गणतंत्र दिवस को मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। करीब 40 मिनट का रोहित वक्त और लगेगा, 40 मिनट बाद जब राजपथ पे देश के शूरवीरों का दमखम देखने को मिलेगा, तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले वो सुनते हैं, वापस रुक करूंगी आपका रजनीश। भी करता है आज जब यह देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत ने यह साबित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जिसमें जीवन और जीविका को बचाने की पूरी गारंटी रही हो, भारत का यह कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए आज भी एक नजीर बना हुआ है।
आज एक बार फिर से हम सबको इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा